मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। लग्जरी बसें बंद करने के मुतालबे पर सैयद तनवीर की दफ्तर RTO के रूबरू हड़ताल। सैयद तनवीर सैयद हमज़ा ने आज से दफ्तर RTO के रूबरू अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। वाज़े रहे उन्होंने क़ब्ले अज़ीं 26 नवंबर को भूख हड़ताल का इंतबाह दिया था। इस अरसे में इनके मुतालबे की तकमील ना होने पर आज से उनकी भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ। सैयद तनवीर का मुतालबा है कि लग्जरी बस मालिकान पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। गैर मजाज पार्सल सर्विसेज को भी बंद करने का मुतालबा किया गया है। नांदेड़ RTO प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के पास आज 4 दिसंबर 2018 को मेरा एक उपोषण है। ये उपोषण के मेरे जो प्रमुख मांगनियां हैं, नांदेड़ या पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो लग्जरी ट्रैवल्स चलते खासगी, जब बहुत से नाम है, अब सबके तो नाम लेना नहीं चाहता मैं, बैनर तो लगाया, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की परवानगी है, यानी कि नियम का उल्लंघन करके ये लोग गाड़ी चलाते, सिटी में लाने का परमिशन नहीं है, और दिवाली दशहरा फेस्टिवल सीजन के अंदर ये लोग डबल ट्रिपल पैसे लेते, और आने जाने वाले यात्री अतिथियों के साथ इनका एक फ्रॉड काम चालू है, और इनके पास पार्सल सर्विसेज है। इस संदर्भ में मैंने अक्टूबर नवंबर और आज दिसंबर तक के यहाँ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब से कांटेक्ट किया, हर हफ्ते में एक दो बार आया, कांटेक्ट किया, इनसे फ़ोन पे बात किया, अपन इन लोगों को मैंने ये मसला बताया। ये लोगों का मुझे इनके साथ साठगांठ दिखती, दिवाली के टाइम पे भी कई लोगों ने आंदोलन उपोषण सब करे, और उनके साथ इनका क्या मामला हुआ कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी ये लोग लग्जरी बसेस के मालिकों के साथ और उन दलालों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आज ये लोग अपने हाथ पे हाथ रख के खामोश बैठे हुए हैं। इस विषय में आज यहाँ आया, आगे भी जा सकता, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जाऊंगा, और इससे पहले मैंने उनसे भी रब्ता किया, मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया और परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहब को भी दिया, पर ये लोग कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते कि इनकी रोटी रोजी ये गाड़ियाँ वालों की तरफ से और ऐसे काले धंधे करने वालों की तरफ से चलती।